सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सुबह जो है वो हम लोग गए थे तो हम व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सके। सुबह उठते ही जो है चले गए थे डॉक्टर के पास। तो अभी आते ही जो है ना मैं भी सो गई थी और फ़हीम भी सो गए थे। तो मैं तो उठ गई हूँ लेकिन फ़हीम जो है वो अभी तक नहीं उठे। ये देखें फ़हीम जो है वो अभी तक सो रहे हैं। फ़हीम की रात हुई हुई है और हमारी जो है ना लाइट भी गई हुई है। यार देख सकते हैं लाइट भी नहीं आ रही और इतनी देर से जो है वो मैं फ़हीम को उठा रही हूँ लेकिन फ़हीम नहीं उठ रहे। तो अब जो है वो मैं किचन में जा रही हूँ फ़हीम के लिए नाश्ता पकाने के लिए। उसके बाद जो है फ़हीम फिर चले जाएंगे काम से। इधर वाले ये इसको क्या दिया बना के नाश्ते? रोटी पराठा बना कर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जो है ना हमारे घर में कुछ आया है, ये आप देख सकते हैं। अनुषा ने जो है वो हमारे घर ये बिरयानी भेजी है। ये मुझे पुलाव लग रहा है, बिरयानी नहीं है। तो ये जो है ना बीफ लग रही है मुझे। ये लंगर है, उसके घर हुआ था तो ये उसने भिजवाया है। और बाकी ये सब बर्तन है नाश्ते के। फ़हीम जा चुके हैं ये सब बर्तन धोने मुझे। बाकी आप ये देख सकते हैं ये मैंने सब्ज़ी निकाली है। तो फ़हीम जो है कल लौकी लाए थे, उनको बहुत दिल कर रहा था लौकी खाने का, तो ये मैं लौकी पकाऊंगी अभी। और बाकी लाइट जो है वो हमारी आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको जो है शाम का व्यू दिखाती हूँ। अभी शाम का टाइम है, आई थिंक 5:56 हो रहे हैं इस वक्त। और ये आप देख सकते हैं ये शाम हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन आज बहुत गर्मी थी। रात को मैं फ़हीम के साथ गई थी ना, वो रात को नहीं बल्कि सुबह सुबह मैं फ़हीम के साथ दवा लेने गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन जो है अब बिल्कुल ठीक है मौसम, थोड़ा सा हफ्स है लेकिन फिर भी सही है। तो अब जो है मैं किचन में जाती हूँ सब काम वाम करने के बाद, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। सो मैच हो गया है ख़त्म। क्या हो रहा है? खाना पक रहा है। खाना पक रहा है मेरी फरमाइश पे। आलू, अंडे आलू, अंडे आलू। तो देखते हैं कि कितनी देर में तैयार होता। बहुत शदीद भूख लग रही है मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी मैंने खजूर खाई है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। सो माइंड जो है वो मेरा चेंज हो गया था, तो वो भी बिरयानी रखी हुई थी आई हुई, तो मैंने सोचा कि इसके साथ जो है ना थोड़े से चावल और पका लेती हूँ। तो चिकन रखी हुई थी तो ये पुलाव जैसे जो है वो मैंने चावल पकाए, पक रहे अभी अभी पके नहीं है। और बाकी जो है ना एक और चीज़ ये मामी को जो है मैं ये देने जा रही हूँ दूध। ये जो है वो दूध पीती नहीं है तो ये नेस्वीटा का दूध है, उसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा बिल्कुल जैसे आधा चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा जो है रोबज़ा मिला के वो दे दूँ ताकि वो पी लें। और बाकी ये चावल जो है अभी रेडी हो रहे हैं। इसकी कैसी शक्ल आती है वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब फ़हीम आएंगे और जब हम खाना खाएंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। बाकी एक दिन जो है शायद मैंने जो है ब्लॉग अपना अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉग बना लूँ आज का, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगी खाना पकाने के बाद। थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है फ़हीम आ जाएंगे एक दो घंटे के बाद। तो फिर फ़हीम आते तो फिर हम ज्वाइन करते हैं। तो मैं घर पर आ गया और खाना खाने की इस वक्त तैयारी हो रही है और थोड़ी देर में जो है वो हम खाना शुरू करने वाले हैं। और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है। सो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बिरयानी आज बीफ बिरयानी माय फेवरेट। सो आज खाने में क्या है? चावल, बीफ बिरयानी और उसमें क्या है कढ़ाई में? रोटी डालो अंदर है, अंदर है। वाह माशाल्लाह बड़ा बढ़िया खाना लग रहा है। देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है इसका। तो आधा खाना खा लिया है और आधा अभी रहता है। और फ़हीम के जो है वो हम फ़हीम से पूछते हैं कि आपको खाना कैसा लगा। एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत मज़े की बिरयानी थी। और ये जो है फ़हीम को भी बहुत अच्छी लगी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और मामी को भी बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने खाना खा लिया, फ़हीम अभी खा रहे हैं। तो ये वाले चावल जो है वो हमारे जो घर में पके थे आज पुलाव, वो वाले जो है ख़त्म हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये रायता है और ये हमारे घर वाले चावल हैं। तो ये मैंने आज पकाए थे ये। देना था अब जो है नाजरीन कैमरा खुल चुका है और अब फ़हीम चुप हो जाएंगे।
माशाल्लाह लजीज बिरयानी 16 मसालों से तैयार करदा उमदा लजीज और टेस्टी बिरयानी सिर्फ 5 रुपए प्लेट 5 रुपए प्लेट 5 रुपए प्लेट 5 रुपए प्लेट अभी आइए अभी खाइए। पार्सल का खास इंतजाम है, छोटों को भी दें बड़ों को भी दें। तो भाई ने मेरा पुलाव जो है वो माशाल्लाह लजीज बिरयानी जैसा बना दिया। पुलाव है ये बिरयानी नहीं है। इसमें भी ऐसे टेस्ट होता था ना, वो बिरयानी थी ना वो पुलाव था। एक और चीज़ भी होती है उसको हम बोलते हैं पुलाव नहीं, ये पुलाव नहीं है, तुमने बनाने की कोशिश की। अच्छा देखे पुलाव में जो है वो कोई कोई डालता है। ये आपका कैमरा थोड़ा खराब हो रहा है। ये पुलाव नहीं है बेटा, अभी साफ हो रहा है। तो पुलाव नहीं, पुलाव नहीं। ये देखें मैंने इसके अंदर साबुत मिर्चे और हल्दी, वो हल्दी बोल रही हूँ, वो हरी मिर्च डाली, तो उसकी वजह से जो है ना ये पुलाव को पुलाव नहीं बोल रहा है। टेस्ट आ रहा है। हाँ मुनफरिद टेस्ट, एक यूनिक डिश नजर आ रही है। इतना खा लिया कि मुझसे बुरा कुछ बन रहा है। और खाना खाने के बाद अब हम क्या करेंगे? खाना खाने के बाद आप क्या बोलते हैं आपका वाहिद जुमला? मीठा। यस, तो मीठे में तो कुछ भी नहीं है। खेल ले हाँ, तो मीठे में खेल। जगह नहीं है मीठे की। और अगर रात को पेट में जगह बन गई तो रायता भी है, ये भी है, लेकिन अगर जगह बन गई तो नहीं बनेगी। नहीं नहीं मैं चावल की बात ही नहीं कर रही, याद करें जो मैंने आपको कल बोला था। तो अभी जो है वो मेरे ऊपर झिंगर आ गया था जो फहीम ने कचरे में डाल दिया। बहादुरी के साथ इसमें टिश्यू पेपर आपको दिख रहा होगा, ये देखें अंदर टिश्यू पेपर है ना, इसके अंदर झिंगर है बहुत छोटा सा। हाँ मेरे कपड़े के ऊपर ही बैठा हुआ था। कितना बड़ा होता है वो? कितना बड़ा होता है? और काटते हैं? खा लिया। क्या होगा? ये आपको पूरा खाना पड़ेगा। नहीं खा सकते। अच्छा क्या नाम है वो झिंगर काटते हैं? हाँ 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 वो उधर बालकनी में से आती है रात को। और झिंगर जो है वो हड्डी है। और खाना भी ख़त्म हो चुका है हमारा, अब जो है ना अब हम चलते हैं बातों की तरफ। फिर से बोल। अभी मेरी वालदा मोहतरमा फरमा रही थी कि किसी की बुराई ना करो, क्योंकि हम जब किसी की बुराई करते हैं तो अपनी नेकियां जो है वो दूसरे को दे रहे होते हैं। यानी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ऐसे जिनसे हमें इख्तलाफ है उनकी बुराई ना करो। तो मैं किसी शख्स की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हम किसी के काम को बुरा कह सकते हैं। तो हम परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, हर इंसान का और उसके रब का मामला होता है, ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। लेकिन ज़ातियात से बालातर होकर हम किसी की परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे बात कर सकते हैं। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको। वो ऐसी बुराइयों के अंदर मुलव्वस हैं हमारे कुछ सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान के, कि उन्हें अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, और उसको ज़बान से भी रोकने की अगर ताकत नहीं है तो दिल में बुरा समझो। वो ईमान का सबसे अदना दर्जा होता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि नेगेटिव जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या उनका काम जो है वो इस टाइप का है कि लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो हमें उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, ये बरहक है। तो मेरी वालदा भी कह रही थी, तो मैंने इसका जवाब ये दिया आप लोगों के सामने। और कुछ अरशद शरीफ के बारे में? अरशद शरीफ की फैमिली के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए, उनकी माँ और सारे रिश्तेदारों के लिए मेरी कॉन्डोनेंसेंस है उनके साथ। और बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस हुआ, दिली सदमा हुआ कि मतलब बहादुर और सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर, और उसकी जान को कितना ख़तरा है ये आपने देख लिया। तो अरशद शरीफ ने आवाज़ हक पे काम किया और वो जन्नती, और ऐसे लोग जो सच का साथ देते हैं और डटे रहते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो उनको आला मर्तबे में फाइज करता है मरने के बाद। तो उनकी वो अच्छी जगह चले गए, लेकिन वो एक मैसेज छोड़ के चले गए हमारे लिए। मैसेज उन्होंने ये छोड़ा है कि बहादुरी से ज़िंदगी गुजारो। बुजदिलों की वो नहीं है, टीपू की सुल्तान की एक वह बड़ा मशहूर कौल है कि
कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। तो जो स्लोगन आजकल काफी वायरल हुआ हुआ नेट पे मिलने वाला, वो करके दिखाएं। अब मैं भरा 3, 2, 1 पिल्ले। क्या बोले? कैसा करा है मैंने? क्या करा? अलग यार। 3, 2 दोबारा करूं? 3, 2, 1 पिल्ले। क्या बोले? क्या बोले? ये फोगा तो गोद में आया। ये सही ब्लॉगिंग हो रही है आज। है ना, ऐसे ही वो करते हैं। 3, 2, 1 पिल्ले। वैसे एक रेड चेयर है लेकिन ये पिंक आ रही है। इतना ज़्यादा फिल्टर लगाया हुआ तुमने। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने जो चेयर दिखाई है ना आपको, उसका असल कलर जो है वो गुलाबी नहीं है, रेड सुर्ख कलर है। और मैंने नहीं लगाया इसने लगाया। फोन किसके हाथ में? मेरे हाथ में फोन नहीं है, आपके हाथ में फोन है। बेटा हम जो है ना, जिस टाइम पे नए नए ये B612 कैंडी कैमरा आया ना, उस वक्त भी ओरिजिनल कैमरे से हम पिक्चर लेते थे। ओरिजिनल कैमरे से उसको तो यहाँ पे जो है ना वो मेरी बात तो कर लो। इतनी प्यारी लग रही है मामी, माशाल्लाह। आज पानी भी आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी, इतनी प्यारी लग रही है। सही है, सही उठा देंगे। तो अभी जो है वो उम्र पर लड़ाई हो रही थी हम सब सबकी, असल उम्र निकल के आ गई थी। लेकिन हम इतने बड़े नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। एशिया में ये है, हाँ सही बात है हमारा, कि उम्र छुपाई जाती है। सही बात है, सही बात है। आप ना शेड आ रहा है, आप जाए तो वहाँ पे आपके मुँह पे शेड आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपने ब्लश ऑन लगाया। उम्र नहीं छुपाई जाती। तभी आपने देखा होगा कि उनके जो खिलाड़ी हैं वो 35 साल में भी, 40 साल में भी अगर होते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं, 35 साल का भी उनका यंग लग रहा होता है। सही बात, 35 के होते हैं। सही बात, यहाँ पे 35 में इफ्तिखार चाचू को देख लो, अब 30 साल की आती है। अब आप मुझे बताओ 30 साल में ऐसी शक्ल हो सकती है किसी की? बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे। आप मजाक उड़ा रहे हैं क्या? 30 साल में नहीं है वो, 35 के होंगे, 5 साल। अच्छा शेड किस चीज का आ रहा है? ऐसा लग रहा है हमने ब्लश ऑन लगाया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सदाबहार, जैसे शुएब मलिक, शाहिद आफरीदी हो गए, ये बुढ़े ही नहीं हो रहे इस तरीके से। हाँ। हम बचपन से देख रहे हैं, हम बुढ़े होगा वो बुढ़े नहीं हो रहे। अच्छा ये आप क्या कर रहे हैं इधर? ये मैं कावा बना रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं पठान होटलों पे चाय बना रहे होते। वर्क वर्क झट 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 वो मना दो घर दम से पल सुन। तो यहाँ पे जो है फहीम जो है वो शिकंजीन बना रहे हैं हमें पिलाने के लिए। अच्छा वो जो मैंने आपको लाके दिया था दिखाया जरा, वो चढ़ से जो हम डॉलर मार्ट से लाए थे दिखाए तो ये डॉलर मार्ट रखा। आप भूल गए आगे, ये ना लेमू नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे जो है ना फहीम वो शिकंजीन बना रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम पियेंगे, पीने के बाद जो है वो हम सो जाएंगे। यो क्लिप जॉइंट लेमू पानी रखा। सो अब जब शिकन जीन बन जाएगी तो फिर मिलते हैं। ओके राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल एंड गो एनीवेयर। राइट बैक क्या करवा रहे हो मुझसे, क्या करवा रहे हो? तो फहीम की रेसिपी और मामी चीख रही है इनके ऊपर, ये बहुत ज्यादा बर्फ डाल लें। अभी देखो ना कमाल, देखो मौसम बहुत जो है। देखो रिकॉर्ड करो, थोड़ा वो हो रहा है। आ जाते वो टक टक आवाज सुन दे, टक टक की आवाज सुन दे। भाई चमचा इधर रखो ना यार, यार काम बढ़ा दिया तुमने, निकम्मी हो एक नंबर की। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, निकम्मी हो तुमने। कहाँ घुसाया मैं सारे स्कूल आया, क्या किया है मैंने? मम्मी कट्टी हो गई, मैं खुद बना लेती हूँ। मैं खुद बना रही हूँ, आपका शुक्रिया।
नहीं मुझे नहीं पीना, जो चीज पे ध्यान रखते हो उसको उठाया नहीं करो। मैं पीऊंगी नहीं, हमारे तो अच्छे भी पीते। आपका कैमरा खराब हो चुका है, वो ना फोकस नहीं कर पा रहा। कहने तो फिर नहीं कर रहा, तो मसला थोड़ी। चलो खैर है, जरा था हमारा संतुलन बिगड़ गया था। तो ली मुझे वो यहाँ पे बड़े आ गए हैं और वो छोटा पड़ गया। काटना पड़ेगा। तो काट के ही तो डालते हैं। इतना थोड़ी काटते थे, बड़े लीमू दो करते हैं दो। अभी करना पड़ रहा है हमारा काम थोड़ा। और ये देखें आप फहीम ने बर्फ कितनी डाली है इसके, आप देख सकते हैं। भाई नाराज नहीं होना, जब इंसान काम करता है तो गुस्सा आता है। नहीं भाई आप पियेंगे, हम तो पियेंगे ही। ऐसा नहीं करो, अम्मा को पिला दूंगा वरना। फहीम ने जो है क्या लीमू पानी बनाया, मजा आ गया। ऐसा तो बाहर का भी नहीं होता। उसने देखा था क्या दे दिया था हमें, शहद दे दिया था उसने। तो आपको कैसा लगा? बहुत मजे का है जी। तो मामी जो है वो सोने जा चुकी है और यहाँ पे फहीम और मैं। तो आपने मुझे निकम्मी बोला था, मुझे अभी तक याद है। तो बहुत बड़ी गाली हो गई, क्या हो गया? लेकिन मैंने आपका लीमू पानी फिर भी पी लिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मामी होती ना, अभी मामी होती ना तो वो मुझे बताती धन्यवाद बोलने में। फहीम जो है ना, अच्छा ये आप ये नहीं समेटेंगे क्या? थोड़ा सा आप समेट, थोड़ा सा मैं। तो अभी जो है वो मैं ये पी रही हूँ, पीने के बाद जो है वो हम अपने रूम में चले जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ का ब्लॉग जो है वो हम यहीं पर एंड कर दें। सुने ब्लॉग एंड कर दे, आज का ब्लॉग खत्म होता है इसी अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।